बड़ी शर्म की बात समझता हूँ सरकार के लिए कि ये जो सरकार कहती है कि ये पिछली सरकारों का पाप है, अगर ऐसा पाप करने का मौका हम लोगों को मिलेगा तो हम बार बार करेंगे। किसी के घर को चूल्हा चलाने के लिए अगर पाप करना पड़ेंगे तो हम लोग इससे हिचकिचाएंगे नहीं। आज डॉक्टर निर्मल सिंह जी को सांप सूंघ गया, आज डॉक्टर निर्मल सिंह जी को सांप सूंघ गया। जब सत्ता का नशा मिलता है उस नशे में वो इतने चूर हो गए, जब सत्ता का नशा मिलता है उस नशे में वो इतने चूर हो गए, गिड़गिड़ाने लगे और पीडीपी की झोली में जाकर उनके कदमों में जाकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना माथा टेका। 73 दिनों से ये जो लोग स्ट्राइक में बैठे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, इनको सुनने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इनको सुनने के लिए टाइम नहीं है। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार में कमी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार में कमी है। जी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, जी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, डीसी तेरे काज में बच्चे करते हैं। बड़ाई जल्दी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बड़ाई जल्दी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल लाल हराए रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार में कमी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार में कमी है। जी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, जी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, डीसी तेरे काज में बच्चे करते हैं। बड़ाई जल्दी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बड़ाई जल्दी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल लाल हराए डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे, आज डॉक्टर निर्मल सिंह जी को सांप सूंघ गया। जब सत्ता का नशा मिलता है उस नशे में वो इतने चूर हो गए, गिड़गिड़ाने लगे और पीडीपी की झोली में जाकर उनके कदमों में जाकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना माथा टेका। जम्मू कश्मीर में लोगों को लड़ाने का काम, लोगों को तोड़ने का काम, लोगों को बांटने का काम जिन लोगों ने किया है उन लोगों को आप भली भांति जानते हैं। हमने ये भी देखा कि एक डिप्टी कमिश्नर अपने चपरासी से पूछते हैं, बताओ जी हम कैसे करेंगे काम। बड़ी शर्म की बात है जो डेली वेजर का सामना करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं डिप्टी कमिश्नर रियासी साहिबा से, क्या आपके पास डेली वेजरों के साथ बात करने का समय नहीं है? क्या आपकी ब्यूरोक्रेट रियासी के अंदर बैठकर डेली वेजरों का शोषण कर रही है? आखिर सुनाए तो किसको सुनाए, पूछे तो किससे पूछे? सब लोग कान पर हाथ धरे के धरे खड़े हैं, किसका पूछे किसको सुनाए? लेकिन आपको सुनने के लिए आज यहां पर जो लोग आए हैं उनका मैं तहे दिल से अपनी पूरी जिला की टीम से हार्दिक अभिनंदन करूंगा। बीजेपी और पीडीपी का गठन हुआ और अलगाववाद को बढ़ावा दिया गया। पूरे जम्मू सूबा की बात करें, जम्मू सूबा जो हमारे बीच में बैठे हैं, जो आप लोगों के साथ आप लोगों की बात सुनने के लिए जहां पर अपना कीमती समय देकर जहां पर बैठे, उन सभी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। साथियों, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इनको हमेशा इनकी आवाज़ को बुलंद करते हो और आज भी उसी सिलसिले में यहां पे आए हो। और इसके साथ ही मैं आपको ये कह दूं कि हमारा आज इनको समर्थन नहीं मिला है, इसके पहले भी कई प्रोग्रामों में इनके हमारे पीआरआई मेंबर्स आते रहे हैं और शाना बिशाना इनके साथ चलते आए हैं
और इसके साथ ही जो आपका एक सवाल आया है कि इनकी मांगों को कितना जायज ठहराते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मांग को भी कोई जायज नहीं ठहराएगा इस मतलब इस दौर में, डेली वेजर जो है अपना पूरा जीवन की आहुति उसने इस डिपार्टमेंट को दे दी है। और मैं देखता हूं कि कई बार जो इधर से जो इनके मुलाजम हैं रिटायर होके जब उनको हार डाला जाता है और घर में जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तो मैं ये बड़ी शर्म की बात समझता हूं सरकार के लिए कि ये जो सरकार कहती है कि ये पिछली सरकारों का पाप है, अगर ऐसा पाप करने का मौका हम लोगों को मिलेगा तो हम बार बार करेंगे। किसी के घर को चूल्हा चलाने के लिए अगर पाप करना पड़ेंगे तो हम लोग इससे हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन साथ ही मैं इस सरकार के भी कान खोलना चाहता हूं कि इतनी मगरूरी जिससे गरीब रो दे वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और इस सरकार को भी इस चीज़ के लिए समझना चाहिए कि गरीब परेशान है। हमने आज तक 72 दिनों की स्ट्राइक रियासी में एक रिकॉर्ड सुना था और आज इनका 74वां दिन है। तो अगर सरकार अब भी नहीं जागेगी तो मुझे लगता है कि ये डेली वेजर जो है एक तूफ़ान लाएंगे और उस तूफ़ान के बाद इस सरकार को जो बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे और सरकार को इसको झेलना भी पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा सरकार की जो पॉलिसियाँ बनती आ रही हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मतलब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 25 लाख वोटर जो नए इंटर कराने का सोचा है, 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 27,000 वोटर नया बनता है। जब 27,000 वोट वो वहाँ से ड्राफ्ट यहाँ पे कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो समझ रहे हैं कि इन गरीबों की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अंधेरे में हैं। आज नहीं तो कल उनको ये जायतियों का नतीजा भरना है, भुगतना है। इससे ज़्यादा मैं ना कहता हुआ यही कहूँगा कि सरकार को बाज आना चाहिए और इन गरीबों के साथ और इनकी फैमिलियों के साथ इंसाफ करना चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देख रहे हैं 74 दिनों से ये जो लोग स्ट्राइक में बैठे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, इनको सुनने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इनको सुनने के लिए टाइम नहीं है। आज अब हमारी रियासत में जम्मू में ड्यूटी में देखेंगे PHE स्ट्राइक पे है, मनरेगा का स्टाफ स्ट्राइक पे है, मैंने सुना है जी आशा वर्कर वगैरह ये लोग भी स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? सरकार को इनके साथ न्याय करना चाहिए, इनको परमानेंट करना चाहिए। और हमारी पंच सरपंच जूनियन जितनी भी है हम इन एम्प्लाइज के साथ हैं, क्योंकि एम्प्लाइज ही हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी स्टेट को चला रही है, जो हमारे कामों को आगे बढ़ाती है। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो हमें चलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि पंच सरपंचों को भी सड़क पे उतरना पड़े इनके साथ, उससे पहले ही सरकार को जाग जाना चाहिए और इन लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। बिल्कुल जो उन्होंने बोला वो सत्य बोला है। अगर बाहर से लोग आएंगे वोट डालने के लिए, हमारी क्या ज़रूरत है? हम लोगों को कौन पूछेगा? लोकल लीडरशिप खत्म हो जाएगी। बाहर से लीडर आएगा, कोई बाहर से दिल्ली से लाएंगे, किसी स्टार को लाएंगे, इधर खड़ा करेंगे, बोलेंगे इसको वोट दो, वोट भी खुद बनाएंगे, वो दिल्ली से ही लोग लाए होंगे, उन्होंने वोट डाल देना, उसको बना देना, उसको क्या पता कि हमारी तकलीफें क्या है। ये बहुत गलत हो रहा है, स्टेट्स के साथ पूरा गलत हो रहा है। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हम इनके पहले भी इनकी सपोर्ट में थे, लेकिन आज भी इनकी सपोर्ट में हैं। और हम ये ज़ोरदार अपील करते हैं हमारे LG साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, कि जो डेली वेजरों का जो मसला चलता आ रहा है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के घरों में पानी नहीं है, तो अगर ये स्ट्राइक में बैठे हैं तो पानी कौन दे रहा है? लोगों के घर में पानी थोड़ी जाएगा। तो कम से कम LG साहब ने ये सोचना चाहिए कि 74वां दिन आज जो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, इनका भी घर परिवार है, बच्चे हैं, इनकी भी ये जेन्युइन डिमांड है, तो सरकार को ये पॉलिसी लानी चाहिए और कम से कम इनको किसी ना किसी तरीके से इनको सेट करना चाहिए। बिल्कुल, आज भी हमारी 2 बजे मीटिंग है, तो हम अपनी डिमांड पूरी, इनकी डिमांड जो भी है हम उनके आगे रखेंगे, जरूर रखेंगे, और जहां जहां भी हमें मौका मिलेगा तो उनकी बात जरूर करेंगे। हम इनके साथ हैं, आज भी हैं और कल भी हैं, ये क्लियर है। पहले मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इन गरीब लोगों की आवाज़ उठाई। मेरा नाम सुखदेव सिंह सरपंच है, मैं पंचायत कांजली से हूं, और मैं इन डेली वेजर के समर्थन में आज जहां इनकी जो स्ट्राइक चल रही है 74वां दिन, तो इन्होंने हमें बुलाया, हम इधर आए हैं, तो बड़ा दुख की बात है कि आज 74वां दिन और सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है।
मैं सरकार से ये विनती करूंगा कि सरकार को बड़ा सीरियस से इनका जो मसले को लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने समझना चाहिए अगर जे डेली विजरों का इन्होंने ये काम नहीं किया तो सरकार ने इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि डेली विजर ही जो हमारी पंचायतों में जो पानी का आज जो बंद है, तो हमारे पास ना तो कोई परमानेंट मुलाजम है, तो इनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। जब भी हमें कोई फ़ोन आता है, हमें सरपंचों को आता है, हमें पानी दो, हम कहाँ से दें। हम भी सरकार के आगे मांग रखेंगे, अगर आपने इनका काम नहीं किया, इनका जो इनको रेगुलराइजेशन नहीं किया, तो इनका मसला हल नहीं किया, तो हम भी इनके साथ खड़े होंगे और इनका मसला जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। चाहे वो जिला इंतजामिया डीसी मैडम कोने आगे बात पर जानी है, एलजी साहब ने मोदी साहब के पास बात पर जानी है, इसको जल्द से जल्द भेजाया जाए ताकि लोगों को जो परेशानी आती है, आम पब्लिक को परेशानी आ रही है, डेली विजर की जो स्टाक जा रही है, आम पब्लिक को जो परेशानी आ रही है, जब आम पब्लिक जाग जाएगी तो सरकार के लिए मुश्किल होगा। इन्होंने जागना चाहिए, अगर जे इन्होंने इसका फ़ायदा उठाना है तो इसको जल्द से जल्द डेली विजर को इनको परमानेंट करना चाहिए। जय जय।